नोएडा में चोरी की अनोखी घटना सामने आई। स्विगी कंपनी के डिलीवरी बॉय पर घर के बाहर रखे जूते चुराने का आरोप लगा है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र की घटना है। तो डिलीवरी बॉय अगर घर में आते हैं तो सावधान हो जाइए, घर के बाहर रखे सामान को डिलीवरी बॉय उठाकर ले जा सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डिलीवरी बॉय पर जूते चुराने का आरोप लगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। डिलीवरी बॉय पर जूते चुराने का आरोप लगा है। शाहजहांपुर पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुनी नगला गांव से शातिर को गिरफ्तार किया। शातिर पर कई धाराएं लगाई गई थी जिसके चलते वो वांटेड था। झांसी में कलयुगी बेटे पर मां को पीटने का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो शिवपुरी बासार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोपी ने पेंशन को लेकर मां को पीटा। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर रोडवेज बस चालक का लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। बस डिवाइडर से कई बार टकराती दिखी, सवारियों की जान जोखिम में डाली हुई है। ये बस कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही थी। एआरएम प्रतापगढ़ ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो कल शाम 6 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रोडवेज बस के ड्राइवर पर यहां पर यह आरोप लगा है, लापरवाही से बस चलाता दिखा ड्राइवर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एआरएम ने इसके बाद इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।